पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह अब एक और मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के खिलाफ कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। रमन सिंह और अभिषेक सिंह पर आय से अधिक संपत्ति बनाने, आर्थिक अनियमितता और निर्वाचन शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने का आरोप लगा है। ये आरोप कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने लगाया है। विनोद तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए अकूत संपत्ति अवैध तरीके से एकत्र की। उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी निर्वाचन शपथ पत्र में गलत दी है। शपथ पत्र में उन्होंने 56 तोला सोना होने की जानकारी दी थी। आज वह 300 तोला सोना तक पहुंच गया है। रमन सिंह की संपत्ति में 5 करोड़ रुपए तक का इजाफा हुआ है। अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी की भी संपत्ति 5 करोड़ बढ़ गई है, जबकि उनके द्वारा 14 एकड़ कृषि भूमि बताई गई है और दूसरा कोई कार्य नहीं बताया गया है। 2008 में इन्होंने सोने की कीमत 43,000 तोला बताई है, जबकि उस समय 20 से 22,000 रुपए तोला था सोने का रेट। शपथ पत्र में गलत बताया है। इस तरह निर्वाचन आयोग के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। हमने ईओडब्ल्यू से पूरे मामले में जांच की मांग की है। क्या करें, गलत बताया है।